ढाक के वही तीन पात रहे हैं। ऐसा लगता है कि सीमा हैदर की खातिरदारी बढ़िया तरीके से हो रही है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज मैंने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को, उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब को और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को तो जेल भुगत ले, यहाँ से उसको डिपोर्ट उसके नेपाल और फिर नेपाल से उसके देश वो वहाँ से सजा भुगतने के बाद वो डिपोर्ट हो सके। एक साल से डेढ़ साल का समय ये करीब हो गया है, लेकिन आज तक जो है सीमा हैदर के खिलाफ कोई चार्जशीट 173(2) के तहत, सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत कोई चार्जशीट कोर्ट में फाइल नहीं की गई है उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा, ना नेत्रपाल के खिलाफ, ना सीमा के खिलाफ, ना ही सचिन मीना के खिलाफ। हमने बार बार उनको लिखा है, पुलिस डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश को, कि इसके खिलाफ एफआईआर जो दर्ज हुई है इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके कोर्ट में चलान पेश करें ताकि हम ट्रायल करके इसको सजा दिला सकें। लेकिन ढाक के वही तीन पात रहे हैं। ऐसा लगता है कि सीमा हैदर की खातिरदारी बढ़िया तरीके से हो रही है और सीमा हैदर के खिलाफ उत्तर प्रदेश की जो रघुपुरा की पुलिस है वो कुछ करना नहीं चाहती है। उसको मेहमान नवाजी के तौर पर रख रही है, उसको ऐसे रख रही है जैसे उनकी बुआ आ गई हो, जैसे उनकी जो है ना कोई रिश्तेदारी, उनकी रिश्तेदार में से कोई कोई उनका रिश्तेदार आ गया हो या उनकी कोई रिलेटिव आ गई हो। उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उसकी आवभगत की जा रही है और उसको जो है किसी भी हर जगह वो कहीं भी चली जाती है, कोई उसको टोकने वाला नहीं। चाहे वो भाग जाए, चाहे वो नेपाल के रास्ते से वापस चली जाए, कोई उसकी पूछताछ करने वाला नहीं। वो जब मर्जी चाहती है घर से निकल लेती है, जब मर्जी कहीं भी चली जाती है, कोई उसको पर पैरा नहीं हो रहा, कोई उसकी निगरानी नहीं हो रही, कोई उसकी चेकिंग नहीं हो रही। और वही सबसे बड़ी बात यह है कि उसके खिलाफ चार्जशीट जो है वो पेश नहीं की जा रही, उसमें डिले किया जा रहा है। अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि रघुपुरा की पुलिस सीमा हैदर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में टोटली फेल हो चुकी है और कोई उम्मीद हम उससे नहीं कर सकते कि वो चार्जशीट अब जल्दी पेश कर देगी। लिहाजा मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज मैंने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को, उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब को और मैंने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को, हरियाणा के डीजीपी को और दोनों सरकारों के चीफ सेक्रेटरी को और डीजीपी को और सेंट्रल गवर्नमेंट को आज मैंने ये लिख दिया है कि ये सीमा हैदर मेहमानों की तरह वहाँ पर रह रही है, कोई कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ नहीं हो रही है, कोई जाँच इसके खिलाफ तेजी से नहीं हो रही है, जिसको ठंडे बस्ते में फेंक दिया गया है और मुझे उम्मीद नहीं लगती कि इसकी जांच को तेजी करके कोई इसका चलान पेश किया जाएगा। तो लिहाजा ये हरियाणा में पकड़ी गई थी और जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज बल्लभगढ़ में, फरीदाबाद में होनी चाहिए थी, जो कानून कहता है, जो भारतीय कानून कहता है। तो इस केस को उत्तर प्रदेश से ट्रांसफ़र करके बल्लभगढ़ हरियाणा में भेजा जाए ताकि हरियाणा पुलिस अपनी जांच पूरी करके और चार्जशीट जो है कोर्ट में पेश कर सके और इसके खिलाफ ट्रायल चला करके हम इसको सजा दिला सकें और इसको जेल करवा सकें। ये आज हमने इस केस को ट्रांसफ़र करने के लिए हमने उत्तर प्रदेश की आला अधिकारियों को, चीफ सेक्रेटरी लेवल को, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी लेवल को, दोनों देश प्रदेशों के डीजीपी को हमने लिख दिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हमने लिख दिया कि इस केस को यहाँ से ट्रांसफ़र करके हरियाणा में ट्रांसफ़र किया जाए। अब इसके हम 10 या 15 दिन तक हम वेट करेंगे कि इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो ठीक है, वरना हम जो है माननीय अदालत का दरवाज़ा इसमें खटखटाएंगे, माननीय उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जाएंगे, या हम इसके मामले में अगर हमें लगेगा कि जो ज्यूरिडिक्शन जिस हिसाब से बनेगी, क्योंकि ये मामला ऐसा मामला है कि पहले इसमें हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हम नहीं जा सकते क्योंकि डायरेक्ट एफआईआर नहीं है, तो डायरेक्ट एफआईआर को बदलवाया जा सकता है, लेकिन इसमें अरेस्ट जो है वो हरियाणा से है और अरेस्ट के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। अगर अरेस्ट करने से पहले एफआईआर उत्तर प्रदेश में होती तो मामला वहीं चलता, लेकिन पहले अरेस्ट हुई है, बाद में दूसरे स्टेट में जाके एफआईआर हुई है, जो कानून का सरासर उल्लंघन है। तो इस केस को हम उत्तर प्रदेश से ट्रांसफ़र कराने के लिए हमने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को, उत्तर प्रदेश सरकार को, डीजीपी को, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को और डीजीपी को और जो वहाँ के जो जोनल आईजी हैं उनको और जो जोनल आईजी फरीदाबाद हैं उनको और एसएसपी को और एसएचओ को, तमाम लोगों को हमने आज
इस केस के ट्रांसफर के लिए। इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को भी हमने लिखा है कि आप ये केस छोड़ दें और इस केस को जो है हरियाणा में ट्रांसफर कर दें। तो ये नई बिग अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि हम पक चुके हैं, हम वेट कर चुके हैं बहुत सारा। अब हम ज़्यादा वेट इस मामले में नहीं करेंगे, क्योंकि जितना ये डिले मैटर होता जाएगा सीमा हैदर के पंख उतने ही खुले जाएंगे। तो इसकी मेहमान नवाजी उत्तर प्रदेश की रघुकुला पुलिस छोड़ करके इसको तुरंत प्रभाव से इस जांच को हरियाणा पुलिस के हवाले करें, क्योंकि हमने देख लिया है कि आप लोग इसको प्रोटेक्टेड कर रहे हैं, आप लोग किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन में तेजी नहीं ला रहे हैं और ना ही आप चार्जशीट इसको पेश कर रहे हैं। तो लिहाजा आज हमने दोनों सरकारों को लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा है, और उम्मीद करते हैं कि हम 10 या 15 दिन तक ये वेट करेंगे। अगर ये मामला ट्रांसफर नहीं होता है तो हम माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा इसके अंदर खटखटाएंगे और इस मामले को उत्तर प्रदेश से निकाल करके हरियाणा में लेके आएंगे और उसके अंदर टाइम बाउंड भी करवाएंगे कि इतने टाइम के अंदर अंदर आप इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि 1.5 साल का वक्त बहुत ज़्यादा वक्त होता है। आज पूरे देश में क्राइम है हर जगह, आज जहाँ मर्जी चाहे जैसे चाहे आज गोलियां चल जाती हैं, हत्याएं हो जाती हैं। और ये नेपाल का जो बॉर्डर है वो बॉर्डर क्रॉस करके कितने सारे जो है वो इलीगल तरीके से भारत में घुसपैठ कर लेते हैं, और हमारी पुलिस 1.5 साल तक चलान उसके खिलाफ जो है जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो पेश करने में नाकामयाब होती है। और ये बड़े दुख की बात है, हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम इस केस को उत्तर प्रदेश पुलिस से लेकर के हरियाणा की तरफ अब लाने की तरफ हमने कदम बढ़ा दिया है और उनको हमने लिख दिया है। तो अगर 10 या 15 दिन के अंदर अंदर समय हमने दिया है, उसके अंदर ये जांच को अगर नहीं बदला जाता है, पूरी चार्जशीट को जो उन्होंने अब तक लिखी है या अब तक इन्वेस्टिगेशन की है उसको हरियाणा पुलिस के हवाले करें, और आगे की जो जांच है फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो हरियाणा पुलिस इस मामले में करे, और चार्जशीट जल्दी से जल्दी जो है वो उत्तर प्रदेश की पुलिस से लेकर के इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके वो फरीदाबाद न्यायालय में कोर्ट में जो है इसको प्रस्तुत करे, ताकि हम इसमें खड़े होकर के सीमा हैदर को जो है उसकी औकात दिखा सकें और उसको जेल करा सकें, और उसको यहाँ से जेल कराने के बाद जब वो जेल भुगत ले यहाँ से उसको डिपोर्ट उसके नेपाल, और फिर नेपाल से उसके देश वो वहाँ से सजा भुगतने के बाद वो डिपोर्ट हो सके। तो दोस्तों हमने यही नई अपडेट आपको देनी थी, हमने बहुत बड़ा कदम ये उठाया है और ये कदम हमने मजबूर होकर उठाया है, क्योंकि हम ना उम्मीद हो गए हैं उत्तर प्रदेश की रघुपुरा पुलिस से कि वो कभी अपनी जांच पूरी कर पाएगी। 1.5 साल से वो इसको घुस पे लीप रही है और वो आवे टावे दे रही है और वो बहानेबाजी कर रही है, और वो सीमा को ऐसे प्रोटेक्ट कर रही है जैसे उनके पुलिस स्टेशन में उनका कोई मेहमान आ गया हो। तो इस प्रकार की जो हरकतें हैं वो ठीक नहीं है। पूरी दुनिया की देश पूरी दुनिया के लोगों की निगाहें उनके खिलाफ इस बात के लिए आज कि क्या उसके खिलाफ उस जांच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कितना हो चुकी है, क्या स्टेटस है, तो वो सारी चीज़ें पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं, और इससे भारत की पुलिस की भी बदनामी पूरी दुनिया में लोग उंगली उठा रहे हो रही है। तो इन सारी बातों को देखते हुए हमने आज दोनों सरकारों को लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा है कि उत्तर प्रदेश की जो रघुपुरा की पुलिस है वो टोटली फेल है, चार्जशीट मिलेगी और ट्रायल चलेगा और इसको हम जेल में कराएंगे। इसके अलावा हमने दूसरे जो क्रिमिनल केसेस इस पे डाल रखे हैं उसमें भी प्रोग्रेस है, चल रही है, उनके अंदर भी कार्रवाई हो रही है और उसके अंदर भी जो कोई नेगेटिव बात नहीं है, सारी पॉजिटिव बातें हैं, उसके अंदर भी इसको जो हम जल्दी से इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसको जल्दी से जल्दी जेल में डालने की हमारी प्रक्रियाएँ सभी चल रही हैं। और गुलाम हैदर के बच्चों के ऑर्डर मैंने आपको पहले भी कहा है, हर बार कहता हूँ, हमने किए हुए हैं, करा रखे हैं, सिर्फ गुलाम हैदर के आने का इंतज़ार है, और जो उसकी जो वीज़ा की जितनी भी कंडीशंस थी वो सब हम पूरी कर चुके हैं। भारत की सरकार के ऊपर है कि अब वो भारत की सरकार उसको कब क्लियरेंस दे और वो भारत में आ सके। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी भारत की सरकार उसको वीज़ा भी देगी, एक जेन्युइन कोज है, एक पिता का दर्द को समझेगी और हमारे भारत के लोगों की आवाज़ को सुनेगी। तो आप सभी लोग अपनी आवाज़ को मर्यादा में रह करके और कानून के दायरे में रह करके उठाते रहें और स्ट्रॉन्ग करते रहें, डिबेट करते रहें, इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहें, एक दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप सभी के लोग